से यहाँ नमक लोटा की प्रथा एक हमने बहुत सुनी है, क्या कुछ है ये? जैसे अब तो चुनाव के दौरान होता ही, अच्छा, कि भाई जिसको वोट देना है भाई लोटा नमक कर लो, मैं तो मुझे तब विश्वास हो जाएगा कि भाई आप पक्का वोट मेरा। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि जौनसर बावर क्षेत्र में स्याणा प्रथा पुराने समय से चली आ रही है, बहुत ही प्रचलित प्रथा है ये। लेकिन क्या कुछ है ये स्याणा प्रथा, आखिर स्याणा कहाँ किसे जाता है, यही सब जानने के लिए आज उत्तराखंड की नौनी पहुंची है चक्राता के सेंज अटाल गांव में, और यहाँ के स्याणा अतर सिंह राणा जी हमारे साथ हैं। राणा जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। राणा जी, आप इस गांव के स्याणा हैं, तो पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर स्याणा कहाँ किसे जाता है, कौन होता है स्याणा? वो अब जो हमारी नॉलेज में है ना, अब हमारे से तो बहुत पहले स्याणा प्रथा थी जी। हमारी नॉलेज में तो ये कि भाई जो अंग्रेज के टाइम से ना जी, जो गांव में थोड़ा संपन्न या ऐसा होता था ना आदमी प्रभावशाली, उसको अंग्रेजों ने स्याणा बनाया ताकि फिर उसमें गांव का एकता भी बनी रहती थी, उसकी बात को मानते थे, उसमें देवता भी शामिल, हमारा कुल देवता। अच्छा। उसके आगे शपथ होती थी कि भाई जो स्याणे की बात नहीं मानेगा उस पर देवता का भी दोष लगेगा। अच्छा। ये सुनने में आया, मैं हम तो हमारे तो बहुत पहले से ही प्रथा है जी जी। तो ऐसा कुछ सुना है जी जी जी। अब फिर गाँव में मानते भी थे स्याणे की बात, पहले तो वो मतलब माल गुजारी भी स्याणे ही लोग वसूलते थे जी। अच्छा। अब जब से आज़ाद हिंदुस्तान हुआ, अब तब से राजस्व पुलिस वसूलती है जी जी जी। तो जैसे कि स्याणा बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति को बनाया जाता था, आप पहले की बात बता रहे हैं, आप भी अभी मतलब 61 ईयर्स के हैं, तो अभी आपके टाइम में आप स्याणा है, तो अभी क्या क्या आपके पास क्या क्या अधिकार हैं? अधिकार वैसे कुछ नहीं है, अधिकार ये है कि भाई देव गांव की एकता जैसी बनी रहती है कि भाई एक मान्यता है, वैसे आने की बात को कहीं ना कहीं मानना ही पड़ता है जी 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 जी। अच्छा, अभी एक मतलब प्रथा बनी है कि भाई चलो इसे आने ने बोल दिया तो भाई ठीक है। अच्छा अच्छा, है ना। और फिर उसमें देवता लोग भी जुड़े हुए ना, फिर देवता भी इसमें साक्षी है। अच्छा। स्याणे के साथ ना। अच्छा। देवते के आगे सब लोगों ने ये होता नहीं कि भाई हम स्याणे की बात को मानने के लिए तैयार है, जो नहीं मानेगा वो देवता उसका साक्षी, उसका देवता न्याय करेगा। अच्छा। देवते से डरते भी है लोग हमारे यहाँ जी 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 जी। ये है, बाकी तो अब उतना नहीं जितना पहले था। बाकी गांव के जो फैसले होते हैं, जैसे ग्राम प्रधान उनमें शामिल रहते हैं, आप लोग भी सब बैठते होंगे ना साथ? हाँ, हम लोग भी सबसे पहले तो स्याणे के पास जाएंगे, प्रधान तो एक अलग है ना, प्रधान तो विकास के लिए, पर स्याणा फिर सिर्फ ये कि भाई ये स्याणा न्याय के रूप, न्याय के रूप में देखा जाता है। तो स्याणा की बहुत मतलब मानी जाती है, अभी भी ये परंपरा चली आ रही है पुराने टाइम से। यहाँ पे हम कुछ और परंपराओं पे आते हैं, तो जैसे यहाँ नमक लोटा की प्रथा एक हमने बहुत सुनी है, क्या कुछ है ये लोटा नमक? एक विश्वास के लिए था कि भाई पहले उसमें पहले की प्रथा भी कि भी कोई भी न्याय होता था कि भाई लोटा नमक करो, फिर उसमें विश्वास किया जाता था। जैसे अब तो चुनाव के दौरान होता ही। अच्छा। कि भाई जिसको वोट देना है भाई लोटा नमक कर लो, मैं तो मुझे तब विश्वास हो जाएगा कि भाई आप पक्का वोट मेरा। अच्छा। अब यही यहीं तक सीमित है अब जी जी जी। अच्छा, किसी को वोट चाहिए तो वो दूसरे से लोटा नमक करवाता है, लेकिन क्या होता है उसमें, कैसे करता है लोटा नमक? उसमें ऐसा ना है, लोटा ले आएंगे, अब मैंने किसी को वोट देना है तो मेरा जो प्रतिनिधि जो चुना जाए वो बोलेगा कि भाई ये विचार बांधना पड़ेगा कि भाई अगर मैं आपको वोट नहीं दूंगा तो जैसा ये नमक गल रहा है पानी में वैसा ही मैं गलना चाहिए। अच्छा। फिर उसमें एक विश्वास डर पैदा होता है कि मेरे ऊपर ऐसा ना हो जाए, गलत ना हो जाए, फिर उसे देना ही पड़ता वोट। तो क्या लोग इसका विरोध नहीं करते कि इतने डर में आके वो कर तो देते हैं लोटा नमक, लेकिन विरोध नहीं करते कि भाई ऐसा नहीं करेंगे हम? विरोध तो ऐसा नहीं होता ना, ये तो गुपचुप मीटिंग होती है। अब आप अपना वोट लेने वाले को आप अपना तरीका होता है, वो किसी न किसी रूप में ना वोटर को पटा लेता है जी। भाई कोई
पैसे दे के, भाई पैसा तब दूंगा जब तेरे लोटा नमक कर दे मेरे साथ, मैं इतना पैसा दे देता हूँ। और अलग से बिल्कुल दूसरे के सामने अलग मीटिंग होती है ना वोटरों की। अब सभी तो ऐसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते बेचारे जो आ जाते हैं चक्कर में, जी जी है ना। तो जब आप यहाँ आके बसे थे, चक्राता के क्या हालात थे? जी हमारे तो बहुत पुराने दादा परदादा आए थे यहाँ, अब हम तो उनको ही देखते थे, बोझा ढोते हुए ना दूर से चक्राता कालसी सैया कहते थे, हमने तो नहीं ढोया, हमारे टाइम को तो तब तक सड़कें आ गई थी। अच्छा। तो एक एक मन डेढ़ डेढ़ मन के बोझे नमक जा तो नमक, क्योंकि उस टाइम भेड़ बकरी ज़्यादा होती थी, पशु ज़्यादा होते थे, उनको ज़्यादा लगता नमक। अच्छा। नमक ही बेचारे ज़्यादा लाते थे, गुड़ और नमक जी। थोड़ा बहुत कपड़ा भी ले आया, कपड़े तो बहुत कम पहनते थे वो, ऐसे ना अपने हाथ के बने होते थे, ऊन के भेड़ियाँ होती थी ना, अब ऊन का फिर टंकी वाले, बहुत वैसे हालत थे जी, बुरी हालत, नंगे पाँव, हम भी नंगे पाँव चले हुए। अच्छा। बचपन में। अच्छा। जूता नहीं होता था, पैसा भी बहुत कम होता था, फिर कमीज में टंकी, पजामे में टंकियाँ होती थी। अच्छा, एक जौनसर बावर क्षेत्र में पांच पत्नी वाली प्रथा काफ़ी सुनी जाती है, क्या कुछ है ये? ये तो एक परिवार को एक रखने के लिए ना, अब आबादी भी, अब पांच के अगर पांच मिसेज होती है ना, पांच औरतें होगी तो उनके बच्चे भी कितने हो गए, फिर एकता भी रह जाती है। एक ज़्यादातर तो एकता का होता ना कि भी एक सब इकट्ठे रह जाते थे, सामूहिक परिवार, पांच भाई हो गए चाहे चार हो गए, उनकी एक ही पत्नी होती थी। अच्छा। धीरे धीरे तब दो पे आ गए, फिर अब तो ख़त्म ही लगभग हमारा, अब तो अब नहीं है। पहले मतलब घर खेत खलियान एकजुट रहे, एक साथ रहे, इसलिए पांच पत्नियों वाली प्रथा थी, लेकिन अब दो तक सिमट गई है वो। दो तक भी हो, हम तक अब हमारे जो आगे की जनरेशन है अब वो नहीं मानती इस बात को। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जो हमारी उम्र के ना पहले पहले के उनके ही है अभी, जो आगे की जनरेशन है उन अब वो नहीं मानते इस बात को। आप क्या मानते हैं कि जौनसार का जो क्षेत्र है, जो जौनसार बावर है, ये काफ़ी डेवलप हो गया है या अभी ज़रूरत है काफ़ी कुछ होने की? डेवलप तो काफ़ी हो गया है, सड़कें हर गांव में पहुंची हुई है, सड़क से ही विकास होता है, मेहनत तो खुद करनी पड़ती है। अब लोग तो सरकार को ही दोष देंगे, है ना, अब अपने आप नहीं करेंगे, सरकार देगी, और सरकार तो बहुत कुछ दे रही है। हम मेरे पास राशन की दुकान थी सन 1978 में, देहरादून से लाना पड़ता था मुझे राशन, चीनी भी देहरादून से, आज घर पे आ रही है। आज स्कूल हमारे प्राइमरी होता था और स्कूल नहीं होते थे, आज इंटर कॉलेज है, तो विकास तो बहुत हुआ है, सरकार तो बहुत कर रही है। हम तो सरकार को बिल्कुल भी दोष नहीं देते, क्यों, अब सब कुछ तो खुद भी तो करना पड़ता है, अब हम कहीं सरकार नहीं दे रहे, कुछ तो हमें भी करना है, अगर एक कदम हम उठाएंगे तो 10 कदम सरकार उठाती है। अब कुछ लोग तो सरकार के ही भरोसे रहते हैं, अब ये सरकार भी नहीं, कम ये नहीं, अरे भाई हमारे लिए तो बढ़िया, सब स्कूल है, पानी है, सड़कें हैं, तो विकास का तो यही विकास इसी से होता है। अब हमारा टमाटर दिल्ली जा रहा है, उस टाइम हम टमाटर लगाए भी तो ले जाएं कहाँ, मार्केट में सड़कें नहीं थी, आज तो हम बहुत लोगों के पास, जितना पैसा आज एक छोटे से आदमी के पास है उतना पैसा पूरे गांव में नहीं होता था। अच्छा। हाँ, आज तो सबके पास पैसा है। यहाँ की कुछ और परंपराएं, विशेषता है जो और भी प्रसिद्ध हो, कुछ और विशेषता तो यही है कि शहर के मुकाबले गाँव की बहुत अभी तक माहौल अच्छा है, है ना, फिर लोग बड़े प्यार से रहते हैं, ऐसा नहीं है बड़ा सब कुछ, ऐसा नहीं है शहरों में तो शाम को भरोसा नहीं है कोई घर सही लौट के आ जाए, है ना, डकैती फलाना, यहाँ अब हम यहाँ रहते ना अकेले में, सारा कई बर्तन बाहर, सामान बाहर, चोरी नहीं होता, अब नीचे ऐसा जोड़ो तो सुबह को गायब, जी 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 सही है ना, ये है ना गाँव तो गाँव ही, पहाड़ काफ़ी अच्छा हो, लोग भले ही पहाड़ चढ़ने से बचते हों, डरते हों, लेकिन अभी हमें राणा जी ने बताया कि कितना सेफ है पहाड़ का जीवन, अभी लोग कितने आराम से यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो राणा जी, उत्तराखंड की नॉलेज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जौनसार बावर की परंपरा से आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं, अभी हमने आपको स्याणा के बारे में बताया, अब हम आपको नंबरदार से मिला रहे हैं, सैंज गाँव के नंबरदार हमारे साथ है, क्या शुभ नाम है आपका? महेश चंद।
महेश जी, क्या होती है नंबरदार की भूमिका, कौन होते हैं नंबरदार? गांव की भूमिका तो हम ही होते हैं हकदार। जो गांव के मीटिंग होती है मुख्य नंबरदार को पूछते हैं, जो बनाना है जो काम करना है वो मुख्य नंबरदार से बात करो। अच्छा। कि भाई क्या करना है, क्या स्थिति है, क्या हमारे गांव में कोई प्रॉब्लम है उसको हमने करना है। अच्छा, किस किस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों ने अब तक निपटाई है जैसे गांव की? अरे यहाँ तो बहुत झगड़े, कई बार पंगे हैं, मीटिंगे बैठती है तो इसमें कई करना पड़ता है, हैं बे, फिर समझाना पड़ता है लोगों को कि भाई ऐसा करना है, आपस बीच में ना कोई विरोध डालना है, बे जो काम करना वो सही करना है, सब लोग मिल कर के काम करना है सभी में। अच्छा, यही है, यही बात हमारी, हम सबसे यही प्रार्थना हाथ जोड़ते हैं कि भाई आपस बीच में मेल से रहो और काम करो, शुभ काम।